वेलकम टू माई चैनल। सो आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि हम लोग जा रहे हैं टॉबरमरी। सो वी आर सुपर एक्साइटेड एंड अभी बस हम लोग निकले हैं एंड वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं जो कि टोरंटो से आ रहे हैं एंड हम लोगों ने पूरा ही बहुत ही बड़ा विदा किया है। सो बेसिकली वी आर गोइंग फॉर 3 डेज एंड हम वहाँ पे जितनी भी पॉपुलर स्पॉट है वहाँ पे जाने की ट्राई करेंगे। सो देखते हैं, हम लोगों ने कल मतलब आज का बुकिंग किया है ग्रोटो पे एंड कल का हमारा बुकिंग है टावर पोर्ट आइलैंड पे। सो हाँ, बस अभी तो यही प्लान है एंड वेदर भी अच्छा है, बट आज पूरा ही दिन मतलब बारिश दिखा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। होपफुली बारिश ना आए, बट लेट्स सी। सो या आप लोगों को मजा आएगा ये वीडियो देखने में एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बेसिकली वी आर गोइंग वाया फेरी। सो इफ यू डोंट नो, मैनी डूलिन से टोबरमरी की फेरी होती है एंड हम लोग वहाँ पे मतलब हम लोग फेरी थ्रू ही जाने वाले हैं एंड वहाँ पे आप अपनी मतलब गाड़ी भी जा सकती है उस फेरी में। सो हम लोग बस अभी वहाँ पे जा रहे हैं, लाइक हम लोग अभी मैनी डूलिन जा रहे हैं, वहाँ पे हम फेरी लेंगे, गाड़ी उसमें चली जाएगी एंड उसके बाद वो आई थिंक अराउंड 2 आवर्स की फेरी होगी एंड वो फिर डायरेक्टली टोबरमरी ले जाएगी। सो बस अभी वही प्लान है एंड हमारा जो वीला है वो टोबरमरी में ही है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। सो उसकी वजह से मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे फेरी में ट्रैवल नहीं किया है, तो हाँ देट विल बी अ फन। सो स्टे ट्यून्ड। अभी हमें ये टिकट मिल गई है, टिकट तो नहीं पता नहीं कुछ नंबर है एंड अभी बस हम गाड़ी लोड करेंगे एंड अभी भी हमें शिप तो नहीं दिख रही है, बट हाँ आगे होगी शायद। सो शायद क्या होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। सो या सुपर एक्साइटेड, लेट्स सी, लेट्स गो एंड हैव फन। फाइनली शिप यहाँ पे आ गई है एंड अभी बस हम लोग लाइन में खड़े हैं गाड़ी लोड करने के लिए। ये जो है ये बोट है, तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन चीज़ है कि सब लोग अपनी बोट लेके जाते हैं, मतलब समर आता है तो सब लोग बोट लेके निकल पड़ते हैं। तो ये अभी मतलब गाड़ी के साथ बोट भी उसमें मतलब शिप में डालेंगे। बोट्स आर रियली कॉमन हियर। अच्छा, और क्या क्या कॉमन है यहाँ पे? इग्नोर। हाँ, तो मतलब यहाँ पे जैसे ही समर शुरू होता है सभी लोग अपनी बोट लेके निकल पड़ता है, बट हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद शिप में भी वो लोग लोड करेंगे बोट को एंड हमारे आगे ही है एक बड़ी सी बोट, बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारा जाना है इसका। अच्छा, पार्किंग इज डन, अभी बस हम लोग जा रहे हैं। सो लेट्स गो। काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं फूड के एंड ड्रिंक्स के। सो बस अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करके जाने वाले हैं, तो हम लोगों ने भी वेजी बर्गर एंड कोक एंड वो सब कुछ ऑर्डर किया है, बाकी सैंडविच में बना के लेके आई हूँ। तो अभी बस हम लंच ख़त्म करेंगे एंड उसके बाद भी 1-1.5 घंटा है। तो वी आर एट द टॉप ऑफ द शिप, जो सबसे टॉप पे है फ्लोर, वहाँ पे अभी हम हैं एंड बहुत ही ज़्यादा बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन हवा बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है।
इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ अभी तक तो हम दो ही है। हाँ, क्योंकि बारिश है थोड़ी थोड़ी, बट हम तो एंजॉय करने वाले हैं तो मजा आ रहा है। Finally we have reached and it was a great experience. अगर आप लोग भी मैनिटोली ना सकते हैं एंड वहाँ से फेरी लेने का सोच रहे हैं तो it would be a great option. Because हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया. No doubt weather इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था तो हम लोग पूरा 100% enjoy नहीं कर पाए, but हम लोग सोच रहे हैं कि return में भी हम फेरी ही book करते हैं. सो लेट्स सी कि तभी होपफुली अच्छा वेदर हो, बट अदरवाइज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. सो अभी बस हम लोग हमारा जो विला है वहाँ पे जा रहे हैं. इट इज़ शोइंग अस 20 मिनट्स, तो अभी 20 मिनट तक तो ड्राइव है एंड उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके फिर हम लोग ग्रोटो जाने वाले हैं. हमारी आई थिंक 5 बजे की ऐसी कुछ बुकिंग है. सो बेसिकली ग्रोटो में आपको पार्किंग बुक करना पड़ता है पहले से ही, अदरवाइज यू कांट गो. सो हम लोगों ने पहले से ही पार्किंग बुक कर दिया है एंड बस थोड़ी देर बाद हम उसके लिए निकलेंगे. एंड आज तो हम सिर्फ ग्रोटो ही जाने वाले हैं. सो अभी तक ये प्लान है एंड हम लोग अभी जा रहे हैं हमारी विला की तरफ. लेकिन ये जो पूरा ही रास्ता है वो एकदम ही जंगल जैसा है एंड बीच में हमें सिर्फ एक दो गाड़ियाँ ही दिखी है, बाकी पूरा ही जंगल एंड लेक्स एंड पैसा है. तो मेरे को लग रहा है कि हमारा विला भी एकदम जंगल के बीच में ही होगा, तो थोड़ा डरावना तो लग रहा है, बट लाइक एक्सपीरियंस भी करना चाहिए तो देखते हैं. हाय गाइस, सो हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने जो विला बुक किया था वहाँ पे हम अभी पहुँच गए हैं एंड बिलीव मी इट्स सो प्रिटी. लाइक हम लोगों ने फोटोज में वो सब कुछ देखा था लेकिन हमें इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो उससे भी ज़्यादा अच्छा निकलेगा, बट दिस विला इज सो प्रिटी. सो ये विला की टूर जरूर देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड उसके साथ मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको कभी भी बुक करना है. एंड उसके साथ सारी डिटेल्स मैं बाद में देती हूँ, सबसे पहले टूर दे देती हूँ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर विला टूर. सो दिस इज द एंट्रेंस एंड अभी यहाँ से आगे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे पूरा ही डाइनिंग एरिया आ जाता है. सो दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड उसके बाद उसके पीछे ही लिविंग एरिया है. यहाँ पे सोफाज एंड टीवी एंड बहुत ही एस्थेटिक विला है, आप लोग देख ही सकते हैं. सो बहुत ही प्रीटी है. एंड ये जो लिविंग रूम है उसके बाजू में ही बाहर पेटियो चेयर्स एंड वो सब कुछ दिया है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है. लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है तो वो मैं बाद में दिखाती हूँ. एंड उसके पीछे भी हमें एक बहुत ही अच्छी सी स्पेस दी गई है. अगेन ये किचन है, क्योंकि किचन भी बहुत अच्छा है. सो दिस इज द किचन एंड काफी स्पेशियस है. उसके बाजू में एक रूम है. सो दिस इज द फर्स्ट रूम एंड अब रूम देखिए बहुत ही अच्छा है. एंड उसके बाहर भी पेटी और चेयर्स एंड वो सब कुछ है. इस रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है एंड बाकी एक कॉमन वॉशरूम है. हाँ, तो ये जो रूम है उसके सामने ही दूसरा रूम है. हाँ, तो वो जो रूम था उसके इस साइड दूसरा रूम है. सो दिस इज द सेकेंड रूम एंड ये भी काफी अच्छा है. सो हाँ, ये सेकेंड रूम है
एंड ये सेकेंड रूम के बाहर भी अगेन स्पेस दी गई है, चेयर्स टेबल सब कुछ है। एंड सभी रूम में उन लोगों ने ये ड्रेसेस दिए हैं एंड थोड़ी थोड़ी जो डेकोरेशन की चीज है वो है, इवन सीलिंग फैंस है एंड टेबल फैंस भी है। जैसे ही इस रूम से बाहर आते हैं तो कॉमन वॉशरूम आता है, सो दिस इज द कॉमन वॉशरूम। सो अभी हमने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहाँ पे आ गई हूँ, अभी हम चलते हैं ऊपर। तो ऊपर तीन रूम है एंड बहुत ही अच्छा है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये जो है ये आई थिंक पता नहीं ये प्रॉपर वुड लग रहा है ना, हाँ तो ये एकदम ही प्रॉपर वुड है एंड पूरी ही सीढ़ियाँ बहुत ही प्रीटी लग रही है। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, तो ऊपर तीन रूम है। सो ये जो सबसे बीच वाला रूम है वो है एंड ये भी बहुत ही अच्छा है। सो दिस इज द फर्स्ट रूम एंड उसके इस साइड दूसरा रूम है। सो दिस इज द सेकेंड रूम जिसमें डबल बेड भी है एंड एक सिंगल बेड भी है, तो तीन लोग आ सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड रूम। सो दिस इज द थर्ड रूम जिसमें अगेन डबल बेड है एंड सिंगल बेड है, तो तीन लोग आराम से आ सकते हैं। बाहर भी बहुत अच्छा है एंड उसके साथ हमें पूरा एक गेम रूम दिया गया है। सो बेसिकली गैरेज रूम को उन लोगों ने गेम रूम में कन्वर्ट किया है, जो कि हम बाद में दिखाएंगे। सो हाँ मतलब लिटरली आपको ऐसा ही फील होगा कि आप जंगल में हैं। तो अभी ये पीछे जो है वो एंट्रेंस है एंड वहाँ से मतलब हमें ये एक स्विंग जैसा दिया गया है, जो कि अभी तो बारिश आ रही है एंड ये पूरा ही फायर पिट दिया है। फायर पिट करना है या फिर जो कुछ भी गेम्स खेलनी है तो हम यहाँ पे खेल सकते हैं, तो ये भी बहुत ही एक अच्छी जगह दी गई है। तो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द विला जैसा कि आप देख ही सकते हैं। पार्किंग है एंड उसके पीछे जो गैरेज है वहाँ पे पूरा ही गेम रूम बनाया है, जो कि हम बाद में जाएंगे तब मैं बताऊँगी। सो दिस इज द गेम रूम एंड अभी एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है जो कि मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज द हॉट टब। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा लेकिन ये हॉट टब है, मतलब गर्म पानी का मतलब स्विमिंग पूल जैसा छोटा सा। तो ये भी है लेकिन ये अभी पूरा ही बंद है क्योंकि बारिश हो रही है, बट लेट्स सी कल अगर हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, बट हाँ ये भी इंक्लूडेड है। सो प्लान में अभी चेंज हो गया है, हम लोगों ने आज ग्रोटो का बुकिंग किया था लेकिन यहाँ पे बारिश कंटिन्यूस शुरू है, तो हम लोगों ने वो पार्किंग मतलब जो भी रिजर्वेशन था वो कैंसिल कर दिया है एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन मंडे। सो कल तो हम फ्लावर पॉट आइलैंड जाने वाले हैं एंड उसके बाद मंडे को हम जाएंगे ग्रोटो, बिकॉज आज बारिश कंटिन्यूस आ रही है एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शावरिंग हो रही है, एकदम ही प्रॉपर बारिश हो रही है। सो ऑफकोर्स हम नहीं जा सकते थे, तो अभी हम यहाँ पर एक सिंगिंग सैंड बीच या ऐसा कुछ है वहाँ पर आए हैं एंड यहाँ पे भी मतलब ये बीच भी इतना ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं कि हम पार्किंग का पे करें या फिर ऐसा कुछ करें एंड बारिश तो हो ही रही है। सो हम लोग पता नहीं अब क्या करेंगे शायद विला ही जाएंगे एंड वहाँ पे चिल करेंगे, खेलेंगे कुछ गेम्स या ऐसा कुछ करते हैं। सो हाँ आज का दिन तो पूरा ही फ्लॉप है, बट होपफुली नेक्स्ट टू डेज हम एंजॉय कर पाएं। कल तो बारिश नहीं है, so. हाँ कल नहीं है, मंडे को भी नहीं है, सो विच इज अ गुड थिंग। एज यू कैन सी पीछे का व्यू बहुत ही बढ़िया है एंड बस अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा 3-4 घंटे का ट्रेल टाइप का है, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं एंड यू वांट टू से एनीथिंग? नहीं।
अच्छा वेदर है, वेदर अच्छा मतलब है, मतलब इतना कल जैसा बुरा नहीं है, कल तो बारिश ही थी तो स्टिल बेटर देन दैट। सो क्रूज में था मतलब बारिश थी, लेकिन राइट नाउ इट्स नाइस। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे पानी एकदम ही क्लियर। हाय गाइस, सो पता नहीं है कि मैंने कहाँ तक व्लॉग किया था, क्योंकि यहाँ पे हम मतलब 11 लोग हैं, वॉक करना मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। आज हम फ्लावर पॉट आइलैंड गए थे, तो वहाँ पे बारिश काफ़ी हो रही थी, लाइक स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं वहाँ पे भी व्लॉग नहीं कर पाई। उसके बाद वहाँ पे कंटिन्यू चलना था 3-4 आवर्स के लिए, बिकॉज वहाँ पे ट्रेल्स है। सो फाइनली वी आर इन ग्रोटो, एंड एज यू कैन सी हम लोग अभी जो मतलब मेन जगह है ग्रोटो में, वहाँ पे आ गए हैं, एंड इट्स टू ब्यूटीफुल। सो ऑफकोर्स टोबरमरी इज टोटली वर्थ। सो हम लोग अभी यहाँ पे हैं, एंड उसके बाद हम देखते हैं कहीं पे जाएंगे या नहीं, पता नहीं है, बट हाँ मतलब ग्रोटो इज सो ब्यूटीफुल। नाउ एंजॉय द क्लिप्स।